भारत बंद के दौरान जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने भारत बंद का आयोजन किया और भारत बंद के आयोजन के समय कुछ जगह हिंसा हुई और हिंसा की मैं कड़ी निंदा करता हूं और हमारे अनुसूचित जाति के लगभग 10 लोग मारे गए, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन 2 तारीख की घटना के बाद आज 6 तारीख हो गई, बराबर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अन्य राज्यों में अगर सब जगह अगर 5 लोगों के खिलाफ FIR या 10 लोगों के खिलाफ FIR की नामजद की गई तो 500-400 लोग 50 लोग 200 लोग मतलब उनको अज्ञात में कर दिया गया और अज्ञात के बहाने पुलिस बड़े पैमाने पर जो अच्छे पढ़े लिखे कार्यकर्ता हैं अच्छे पढ़े लिखे छात्र हैं उनको गंभीर धारा मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेजने का काम कर रही है। देखिए मेरे मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और चूंकि मुझे अपने मुखिया से बात करनी चाहिए, मैंने उनसे मिल करके उनसे गुजारिश किया, निवेदन किया कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अनुसूचित जाति अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जिस प्रकार का भय और रोष व्याप्त है उसमें मैंने निवेदन किया कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और इस प्रकार की जो कार्रवाई हो रही है उस पर अंकुश लगाया जाए।